नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। महालोक घोटाला शिवराज सरकार का सबसे बड़ा पाप। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता करके पिछले 28 मई को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा में उज्जैन के महाकाल परिसर में सप्तऋषियों की टूटने वाली मूर्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति पर जमकर सवाल उठाए। जिला कांग्रेस कमेटी और पूरी टीम के द्वारा जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए गए, कांग्रेसियों ने बजरंगबली का नाम लेकर न्याय का देवता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरने का प्रयास किया। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने किस तरीके से गिन गिन कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाया, उसको घेरने का प्रयास किया। द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उसको आप किसी तूफान या भीषण ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, उसके द्वारा एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं है, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में, झूठ बोलने के मामले में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ, पर उन्होंने उस पूरे उद्घाटन सत्र, लोकार्पण सत्र के दौरान एक भी बार उन्होंने कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और इसका कार्य आदेश जारी किया, अंत में जब ये त्रासदी हो गई तो उन्हीं के, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमलनाथ जी का के द्वारा यह योजना शुरू की गई। मल्टी पीरियड 3 वर्ष होने के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों को महाकाल लोक के कोने में रिपेयर किया जा रहा है, जबकि हमारे धर्म में माना जाता है कि खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं होती। आप सभी लोग जानते हैं खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं होती, पर उन्हीं मूर्तियों को वहाँ रिपेयर किया जा रहा है, ठेकेदार के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। इससे स्पष्ट दिख रहा है, जैसे उज्जैन कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि 5-7 दिन में ही मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी, मतलब खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिए, एक महिला महामंडलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई, जिस महिला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ, संकल्प लेना पड़ा उन्हें कि यहाँ हम नहीं आएंगे। इससे मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, इसने महाकाल लोक के वैभव को तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया, उसके अध्यात्म और उसके महत्व को भी नुकसान पहुँचाया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसी हाईकोर्ट के जज से
जो वर्तमान के हाई कोर्ट के जज हैं, इससे इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। महाकाल लोक की जांच तो होगी, महाकाल लोक तो देखिए कमलनाथ जी के कार्य आदेश से जांच शुरू हुआ और उसका और अच्छा विकास किया जाएगा। और जिस तरीके का एक कांड हुआ है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसे मूर्तियां जो खंडित हो गई बता रहे हैं, तो एक तरह से अशुभ स्थिति होगी। आप देखिए खंडित को हटवा दिया जाएगा, आपकी सरकार आएगी खंडित मूर्तियां को अगर ये पुनर्स्थापित करेंगे तो उस समय की परिस्थिति को देख के इस पर विचार किया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। कर्नाटक के बाद पवन पुत्र क्या कांग्रेसी हो गए? पवन पुत्र तो ना कांग्रेसी थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, वो तो न्याय के देवता हैं, वो तो ईश्वर हैं, हम लोगों के पालक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इनको अपने जेल में रखने की कोशिश करती है और जो इन पे सील लगाती है कि ये हमारे कॉपी राइट। लेकिन आपकी मदद तो करने लगे मूर्तियां, वो न्याय का काम कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वो न्याय और सत्य का साथ दे रहे हैं। जो ईश्वर करता है सदैव करता आया है। जब हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो हम नहीं बोलते हे ईश्वर सच की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। तो ईश्वर तो धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए।